हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल परिवार में। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने आपको कराया था 12th लेक्चर, इसमें थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम थी, माइक में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपको वॉइस क्लियर नहीं मिल पाई थी। और आज हम करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक का, मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव बुक से। इसमें आपको 54 क्वेश्चंस कराएंगे इस टॉपिक में हम लोग, और लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये आपका। इसके बाद आपका एक वीडियो और आएगा और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की, बायोलॉजी की और फिजिक्स की, जो कि इस बुक से पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आपका आएगा, मैंने आपको बताया है कौन सी, एंशियंट हिस्ट्री आएगी। एंशियंट हिस्ट्री में जो भी टॉपिक होंगे वो भी हम लगभग आपको 7 से 8 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करा देंगे। डेली 2 वीडियो आते हैं हमारे चैनल पर, आपको डेली 2 वीडियो मिलते हैं, है ना? तो बहुत ही जल्दी ये भी पूरा करा देंगे हम। एंशियंट हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी सुझाव हैं हमारे कोर्सेज को लेकर वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आपका जो भी कंटेंट है वो कैसा है, इसके अलावा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे, इन वीडियो से क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो भी है आपके सुझाव आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उन दोस्तों उन लोगों के बीच पहुँचाइए जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियोज़। आप क्योंकि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गांधी युग से, और जो गांधी युग से इसके पहले मैंने जो पढ़ाया है, गांधी युग के पहले जो नरमवादी और गरमवादी, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और जो अब कराने जा रहे हैं विविध, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे इसमें आधुनिक भारत का, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मिसलेनियस में सभी तरह के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। 2 वीडियो, 54+54, है ना? टोटल 108 क्वेश्चन, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 13। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी हैं, 54 क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग, है ना? तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने, है ना? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइव डिवाइन बुक लिखी है अरविंद घोष, अरविंद घोष ने लाइव डिवाइन बुक लिखी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, जो कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक कौन है? सर विलियम्स जोन्स, है ना? सर विलियम्स जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है साफ एकदम, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा आपको पता है ये गठित करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना लाई गई थी, है ना? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। दोस्तों जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, कि किस तरह कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया गया, उसके बाद संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हुई, और कितने चरण की बैठकों के बाद आपका ये संविधान बनकर तैयार हुआ। आपको थोड़ा सा अगर इसके लिखे हुए या फिर कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप फेसबुक पर सर्च करिए अपना गूगल, वहाँ पर आपको एक पेज मिलेगा, पेज में मैंने कुछ पॉलिटी के नोट्स वगैरह पोस्ट कर रखे हैं, है ना? वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ये थे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ से, आनंद मठ से संकलित है, जिसके रचयिता कौन है, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहला क्वेश्चन मैंने आज का बताया अभी, है ना? हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से, और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, है ना? आपको पता है राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर, तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वस्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी
खंडों का वस्तुविद कौन था? तो कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस, है ना, एडवर्ड लुटियंस। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की यह है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो इनमें से चित्रा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रा लिखी है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? द कोड डांसर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और डी ऑप्शन चित्रा गदा भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आपका जो ऑप्शन बी है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है। आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि कौन सी कृति लिखी हुई है ये भी जानना जरूरी है, और कौन सी नहीं लिखी है ये तो जानना जरूरी है ही। अगर आपको कौन सी लिखी है ये पता है तो आप कंफर्म है, रहेंगे श्योर कि कौन सी नहीं लिखी है। ठीक है, चित्रा द कोट डांसर और चित्रागंधा ये तीनों इन्होंने लिख रखी है, ये तीनों इन्होंने ही लिखी है, और कपाल कपाल कुंडला इनकी नहीं है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? देखिए, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ये किया गया था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, है ना, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल में? देखिए, अभी हमारा एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आपको सारे जितने भी अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, सारे अधिवेशन किस सन में हुए, किस स्थान पर हुए, ये आपको मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री की। और इसके अलावा जो ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है साथ में इसके, उसमें भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ गवर्नर जनरल की बात की गई है ना, इसलिए मैंने ये बात बताना जरूरी समझा आपको कि एक वीडियो इस पर भी बनेगा कि कौन सा गवर्नर जनरल किस काल में आया, यानी कि कब से कब तक कौन सा गवर्नर जनरल रहा, और उसके काल में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक, ये बहुत ही दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इन्हें हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। हिस्ट्री में तीन टॉपिक, एक इन दोनों के अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि किसके काल में कौन सी चीज़ें बनी, है ना, या फिर किसने बनवाई। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ताजमहल है ना, चार मीनार है, इस तरह की कुतुब मीनार है, जितनी भी चीज़ें हैं किसने बनाई, हवा महल है, किसने बनवाई, किसके काल में बनी, इस पे भी एक वीडियो आएगा। ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी मॉडर्न हिस्ट्री, हर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, जो भी है एंशियंट मॉडर्न जितनी भी प्लेलिस्ट बनेगी सब में, सारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिलेगा, और ऑल एग्जाम्स के लिए जो प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें तो रहेगा ही, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस गवर्नर के कॉल के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आपका कलकत्ता में है और इसका निर्माण रीडिंग, है ना, रीडिंग के काल में पूरा हुआ। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? देखिए, वर्ष 1898 ईस्वी में किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने, है ना, एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में बहुत ज़्यादा खास तौर पे, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ये तैयार किया था मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा ने इसका डिजाइन तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास आपने सुना है, इसके रचनाकार हैं शरद चंद चट्टोपाध्याय, है ना, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद चट्टोपाध्याय।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखेंगे चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, देवदास लिखा, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने, और चित्रा लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रा लिखा था। ठीक है, ये मैंने बताया है भी आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपको ऊपर बताया है कि चित्रा द कोर्ट डांसर और चित्रागंधा तीन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, है ना, वही है आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा है, चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर का है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है, हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है, हंग्री स्टोन्स के रचयिता हैं आपके रवि रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, ये हैं जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कोलकाता में गाई गई, है ना, कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाई गई, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, ये पहला समाचार पत्र की बात की जाए तो जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, RRB AS में आया हुआ क्वेश्चन है, जेम्स हिक्की, भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया जेम्स हिक्की ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये हैं राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस नाम की बुक लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की मैंने कितनी बता दी आपको, चित्रा द कोर्ट डांसर और चित्रागंधा, और ये एक पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई, तो भारतीय नागरिक सेवा ICS, भारतीय नागरिक सेवा को उस टाइम इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी। आगे बात करेंगे गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की, आता है एग्जाम में। भारत भारती के रचनाकार कौन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, यूपी कांस्टेबल सेकंड वाला आया हुआ क्वेश्चन है, भारत भारती पहले वाले में भी क्वेश्चन आया हुआ है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, सैंडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से, शिक्षा से, है ना, शिक्षा से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया था, तो ब्रिटिश ने प्रांतीय स्वायत्ता भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद से, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद से लागू कर दिया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने, है ना, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किससे माना जाता है, किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। जब हम अलग अलग ये इन लोगों के बारे में आपको बताएंगे, जब अलग अलग आपको जो वायसराय थे इन लोगों के बारे में आपको बताएंगे, उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें ये सब कवर हो जाएंगी, बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। ठीक है, एक लाइन से आपको बताएंगे कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, कौन सा वायसराय कब आया, और उसके काल में क्या क्या घटनाएं घटी। तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, कॉर्नवालिस को माना जाता है सिविल सेवाओं का सूत्रपात। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, 32 क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, दो ऑप्शन दिए हैं आपको, सिर्फ दो ऑप्शन दिए हैं, क्या है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, इंग्लैंड की महारानी 1858 में भारत की रानी घोषित हुई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे
दूसरा क्या है, राजा जॉर्ज फाइव तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, में दिल्ली दरबार रखा। अच्छा, राजा जॉर्ज फाइव तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, है ना। तो ये सही है, केवल टू आपका जो है इनमें से सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी, अमृत बाजार नाम की पत्रिका किसने लॉन्च की, किसने स्थापना की, तो ये की शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने अमृत पत्रिका की स्थापना की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, है ना। निम्न में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो कौन था ये, लीडर, है ना, लीडर जो है ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, झंडा गीत किसने लिखा, झंडा गीत किसने लिखा, तो झंडा गीत लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, है ना, झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता स्वीकार किया गया, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया, 1853 में, 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता स्वीकार किया गया 1853 में, है ना। आगे बढ़ेंगे, एक जब आपको आइडिया होता है ना कि कौन सा वायसराय कब आया कब गया, अगर यही देखिए आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात, आपको थोड़ा आइडिया होता कि किस सन में हुआ, तो आप थोड़ा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं, है ना। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, इस तरह की पढ़ते पढ़ते आपको ऑप्शंस देखते देखते आपको आइडिया लग जाएगा और आप आंसर कर पाएंगे खुद से ही। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, किस अधिनियम के तहत, उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है लेकिन, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था, देखिए किस अधिनियम के तहत, तो 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो ये दिया था अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा, वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी, मैंने बताया आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम गीत, अपने आनंद मठ में, है ना, आनंद मठ से ही लिया गया है ये गीत। आगे है क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, किस वर्ष उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ, बिहार का ही पार्ट था उड़ीसा और ये आपका 1936 में जो है अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा 1936 में। अब दोनों अलग अलग स्टेट हैं, उड़ीसा अलग है और बिहार अलग है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एक तरफ आपको पुस्तक दे रखी है, एक तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है, तो देखते हैं कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसके लेखक हैं आपके ताराचंद्र, इसके लेखक हैं आपके ताराचंद्र, है ना, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र ने लिखी है। बी ऑप्शन देखेंगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो ये लिखी है के दत्ता ने, के दत्ता ने, है ना, के दत्ता ने, आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार आपके के दत्ता ने लिखी है। जो सी सी ऑप्शन है, सी लिखी है आपकी प्रिसेट्स ऑफ जीजस, ये लिखी है आपके राजा राम मोहन राय ने लिखी है प्रिसेट्स ऑफ जीजस। लास्ट ऑप्शन है आपका पावर इंडियन मुसलमान्स लिखी है आपकी डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने, है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने लिखी है
पावर आवर इंडियन मुसलमान्स, आवर इंडियन मुसलमान्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? ये किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1878 में के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ये किया तारकनाथ दास ने, है ना। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार, फ्री हिंदुस्तान अखबार मतलब इस अखबार न्यूज़पेपर का नाम था फ्री हिंदुस्तान, है ना। ये इस नाम का अखबार किसने स्टार्ट किया? तारकनाथ दास ने, तारकनाथ दास ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ये थे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। दोस्तों इस लेक्चर में जितनी भी बुक्स हैं उनके राइटर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से करिएगा, कंप्लीट करिएगा, ठीक है। स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे, स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले, के रामकृष्ण पिल्ले। इससे पहले हमने बताया इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल, स्वदेश वाहिनी, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक हैं के रामकृष्ण पिल्लै। आगे बढ़ेंगे, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में नहीं छपता? ये तमिल भाषा में, है ना, तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के, है ना। हंटर, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के विकास में जोर दिया गया। अगर टाइम मिला मुझे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जितने भी कानून आए, जितने भी संशोधन आए शिक्षा से, यानी कि शिक्षा की क्रांति में अंग्रेजों का जो भी रहा, उनका जो भी योगदान रहा, उन्होंने कौन कौन से कानून लेकर आए या फिर उन्होंने क्या चीज़ें शिक्षा को गिराने के लिए या बढ़ाने के लिए जो भी की, वो आप जान पाएंगे उससे, ठीक है। ये मैं बनाऊंगा, देखता हूँ पहले। अभी मैंने जो अधिवेशन वाला और ये इसके लिए बोला है, मैं पहले इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इसके लिए भी बना पाऊंगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये किसके द्वारा प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन 49 का बी के द्वारा ये शक्ति दी गई भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप सर्वप्रथम वेलेस्ली ने लागू की थी। वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में हुआ यहाँ पर हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि और बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 सबसे बाद में हुआ इन तीनों चारों में से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन। समाचार पत्र एक तरफ है, एक तरफ आपका संपादक है ना, एक तरफ आपके संपादक हैं, है ना। तो देखते हैं इसे मिलान करते हैं क्या है। देखिए हिंदू समाचार पत्र जो था, हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक, संपादक सॉरी, संपादक कौन थे? हिंदू के थे जी सुब्रमण्य अय्यर, जी सुब्रमण्य अय्यर, ये थे हिंदू समाचार पत्र के संपादक, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये है आपका, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत, सॉरी ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, सुधारक, सुधारक नाम का समाचार पत्र, सुधारक नाम का समाचार पत्र किसने लागू की, संपादक कौन था इसके? इसके संपादक थे जी के गोखले, जी के गोखले, ठीक है। और सी ऑप्शन की बात करें अगर, वॉइस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन की बात करें अगर, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हैं वॉइस ऑफ इंडिया के,
ठीक है दादाभाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया के हिंदू के हो गए आपके ऑप्शन ए, देखिए हिंदू हिंदू के हो गए आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी देखिए सुधारक, सुधारक के हो गए आपके जी के गोखले, और ऑप्शन सी है आपका वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया के हो गए दादाभाई नौरोजी, है ना। तो और लास्ट ऑप्शन बचा आपका बंगाली, बंगाली के हैं आपके एस एन बनर्जी, डी ऑप्शन के आपके एस एन बनर्जी, ठीक है डी ऑप्शन इसमें आपका जो है वो राइट आंसर है, डी ऑप्शन जो ही है आपका राइट आंसर है। बात करेंगे 53 क्वेश्चन की, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किसके अंतर्गत स्थापना हुई थी। तो बात इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है ये भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यूपीपीएससी 1998 का क्वेश्चन है, इसके बाद भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आगे बात करेंगे 54 क्वेश्चन की, आजकल लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है ये पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, सेकंड लास्ट लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक का, और इसके बाद अब आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल शाम तक, है ना। तो इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको बता दिया एंशिएंट हिस्ट्री टॉपिक आएगा, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, इसे लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी सुझाव हैं, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।